हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेंशन यूनिट को लेकर कुछ प्रॉब्लम सोल्व करना बताऊंगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी टेंशन यूनिट है मशीन की, इसे बहुत सी जगह एंटीना भी बोलते हैं। एक फ्रेंड का फ़ोन आया था मुझे, वो बोल रहे थे कि कैरिज की जो टेंशन है हम उसे लूज करते हैं, फिर भी निटिंग बहुत टाइट होती है। जो हमारे एंटीने की टेंशन है उसका भी मेन रोल है निटिंग में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम अपने एंटीने का जो ये पेच है इसको खोल लेंगे, इसके सभी पार्ट्स को निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, पेच खोलने के बाद इसे आराम से निकालना है और साइड रख देना है। फिर यहाँ पर आपको एक लॉक दे रखा है इसके अंदर, उस लॉक को किसी नोकीली चीज़ से निकाल लेंगे। थोड़ा सावधानी से करना क्योंकि कई बार पेचकस वगैरह हाथ में भी लग जाते हैं। इसको लॉक को हम रख लेंगे और जो ये प्लेट है इसको भी निकाल लेंगे। अब देखिए इसके अंदर एक स्प्रिंग है। ये मशीन मेरी ज़्यादा पुरानी नहीं है इसलिए इसके अंदर थोड़ा डस्ट कम है, बाकी जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है इसके अंदर डस्ट इकट्ठा होता है, तो उस वजह से मशीन में प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे कि जो हमारी स्नीकर प्लेट होती है वो धागे को अपने साथ ले आती है। कैरिज से टेंशन लूज करने के बाद में निटिंग बहुत टाइट होती है। पास से आपको दिखा देता हूँ, ये काफ़ी डस्ट है आपकी मशीन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। तो हो सके तो हर महीने या दो महीने बाद इसे क्लीन करते रहिए। तो ये डस्ट जो है हम इसको क्लीन कर लेंगे, ये काफ़ी है मशीन को टाइट करने के लिए। इसकी ये पहली कैप है, इसकी दूसरी कैप भी दिखा देता हूँ जिसमें काफ़ी डस्ट इकट्ठा हो जाता है और हम उसे देखते भी नहीं हैं। ये वाली कैप है, इसको भी हम निकाल लेंगे और इसके अंदर डस्ट काफ़ी है, ये देखिए। तो इसको भी हम क्लीन कर लेंगे और इसे दोबारा उसी तरीके से असेंबल कर देंगे। यहाँ पर हमें लॉक लगाना है, तो ध्यान दे बस लॉक लगाना नहीं भूलना है। कभी आप लॉक लगाना भूल जाएं तो उससे फिर धागा बहुत ढीला चलता है। तो लॉक को लगाने का तरीका एक बार सही तरीके से देख लेना, जिधर का हिस्सा पतला है उधर से ही लॉक को टाइट करना है प्लास से। तो यहाँ पर आप इस हाथ से पकड़ लेंगे और प्लास से हल्का सा इसको दबा देंगे। और एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा स्प्रिंग बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो अब हम इस पे इसके बाकी पार्ट्स लगा देंगे। असेंबल करने के बाद आपको एक बार मैं इसका साउंड सुना देता हूँ। अगर आपने असेंबल किया है और इस तरीके का साउंड आ रहा है तो आपने सही तरीके से असेंबल किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है निटिंग करने में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो साउंड किस तरह का है, वैसे आपको पता भी होगा। एक बार इसे भी सही तरीके से चेक कर लेना कि ये बिल्कुल फ्री है या नहीं। अगर फ्री है तो फिर इसमें हम अपना जो तार होता है ये स्प्रिंग, इसको डाल देंगे।